की 10वीं कक्षा के रिजल्ट में 100% बच्चे फेल हो गए। सभी बच्चों के फेल होने से गांव में रोष व्याप्त है। किशनगढ़ बास के गांव न्याणा स्थित राजकीय प्रवेशिका संस्कृत स्कूल का मामला है। कक्षा 10वीं में कुल 11 विद्यार्थियों में से 10 फेल हो चुके हैं। एक छात्र को सप्लीमेंट्री आ गई। कुल 150 छात्र संख्या वाले स्कूल में प्रधानाध्यापक सहित कुल 6 टीचर्स हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में बच्चों की शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया गया, शिक्षकों पर पढ़ाने का कोई दबाव नहीं था, बाहर खेलते रहते थे बच्चे। ग्रामीणों की मांग है कि बदला जाए स्टाफ, अन्यथा स्कूल पर ही ताला लगा दिया जाएगा। ये वाकई में अपने आप में अनोखा और मामला जिस तरीके से सामने आया है आक्रोशित करने वाला है हर किसी के लिए, क्योंकि शिक्षा कितनी जरूरी है। चाहे प्रदेश के मुखिया हो या फिर कोई भी जन अधिकारी हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो यही तो कहता है कि शिक्षा बेहद जरूरी है। हम बच्चियों के लिए शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन चाहे वो बच्ची हो, बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, शिक्षा बेहद जरूरी है। लेकिन जब इस तरीके के रिजल्ट सामने आते हैं तब शिक्षकों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हमारा गांव न्याणा गांव में संस्कृत पाठशाला है जिसमें 11 बच्चे हैं 10वीं में, जो पूरा का पूरा फेल हुए हैं। कुछ बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, टीचर हैं जो अपने स्कूल में बैठकर गप्पा सप्पा में पूरा समय बिता देते हैं। मनोज हमारे स्थानीय संवाददाता किशनगढ़ बास से जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। मनोज, कहते हैं ना कि अगर किसी स्कूल की स्थिति जाननी हो, उसके प्रशासन को अगर समझना हो तो बच्चों के रिजल्ट को देख लिया जाए। यहाँ पर तो बच्चों का रिजल्ट पूरी तरीके से फेल आया है, 100% फेल है। किस तरीके की अभी अपडेट मिल रहा है, क्या जानकारी है? बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा, राजकीय प्रवेशिका संस्कृत स्कूल का ये पूरा मामला है और 10वीं बोर्ड के जो परीक्षा परिणाम आया है इसमें इस स्कूल में 11 बच्चे अध्ययनरत थे जिनमें 10 बच्चे फेल हुए हैं और एक बच्चा सप्लीमेंट्री आया है। ग्रामीणों ने इस संदर्भ में बताया है कि अगर पूरा स्टाफ स्कूल का चेंज नहीं किया जाता है तो जल्द ही आंदोलनात्मक कदम उठाया जाएगा और स्कूल पे ताला भी जड़ा जाएगा। मनोज, क्या प्रशासन तक जानकारी नहीं पहुंची क्या इस पूरे बाबत? बिल्कुल, पूरे प्रशासन को इस संदर्भ में जानकारी है और प्रशासन इस मामले को भी गंभीरता से देखते हुए अपडेट ले रहा है। इसमें क्या लगातार जो कुछ दोष अभिभावकों का भी रहा है, क्योंकि अभिभावक भी इस ओर गंभीर नहीं थे, ध्यान नहीं देते थे। ग्रामीणों से हमने यहाँ बातचीत की है तो उसमें निकल के आया है कि धरातल स्तर पर अगर उसमें देखने को मिला है कि बच्चे गांव से बाहर खेलते रहते थे। मनोज, अभिभावक इसलिए तो स्कूल में भेजते हैं बच्चों को, माता पिता के बाद स्कूल में शिक्षक ही तो होते हैं जो इस ओर ध्यान देंगे, लेकिन भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या कोई भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा? क्या क्या कुछ अपडेट, आगे क्या होगा भविष्य में? इस स्कूल में 15 शिक्षक स्थापित थे, लगाए गए थे, लेकिन यहाँ मात्र 6 का स्टाफ अभी कार्यरत था, जिसमें प्रिंसिपल की ओर से मांग की गई थी कि बाकी स्टाफ भी लगाया जाए। थोड़ा शिक्षा विभाग की भी कमी रही है, जो लचर कार्यशैली की वजह से यहाँ स्टाफ नहीं लगाया गया और रिजल्ट ये निकल के आया। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षकों को इस पर ध्यान देना चाहिए था, शिक्षा विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए था, और अगर नहीं दिया तो इस रिजल्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाले समय में बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल धन्यवाद जानकारी देने के लिए।